जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं ज्योति जायसवाल, मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ और संकल्प जी ने मुझसे बोला कि आप बाबा के संपर्क में कैसे आए, ये आप सबके साथ शेयर करिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी और मेहर बाबा की कि आज सबको मैं ये बता पा रही हूँ। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता में मेहर बाबा से सबसे पहले मेरे दादाजी जो कि 1950 में मेहर बाबा से संपर्क में आए थे, उस समय मेरे पापा, ये सब बातें मेरे पापा ने मुझे बताई है कि वो लोग कैसे पहले मेहर बाबा के संपर्क में आए। तो मेरे दादाजी जो थे वो यूपी के गोरखपुर के गांव गोला में रहा करते थे पूरे फैमिली के साथ, तो काम कलकत्ता में करते थे। तो 1950 में जब वो कलकत्ता में काम कर रहे थे, 50-51 में, तो किसी बाबा प्रेमी के संपर्क में आके उनको बाबा के बारे में पता चला। उसके बाद मेरे दादाजी मेहर बाबा से मतलब इतना प्रभावित हुए कि मैंने बाबा के बारे में जो भी जानता था वो जानता था कि हाँ मेहर बाबा अवतार पुरुष हैं। तो वो जब गांव वापस गया तो बाबा की एक फोटो लेकर घर पे गए, तो पापा और मेरी दादी सबको ही पूछने लगे कि ये किसकी फोटो लेकर आए हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा कि ये तो मेहर बाबा हैं जो अवतार पुरुष हैं, पुणे में रहते हैं, ये भगवान हैं। तो सबने उनकी बातें मानी। तो उसके बाद 1952 और 53 में मेरे दादाजी, मेरे पापा श्री कालिका प्रसाद जायसवाल जी हैं, उनको और अपनी दादी जी मेरी सबके साथ और अपने तीनों बच्चों के साथ, मैंने चार भाई एक बहन है मेरे पापा और दादी दादा, सब कलकत्ता आए। फिर वहां से वो लोग पूना में, पूना के लिए निकले। वहां पे गुरु प्रसाद में सहवास चल रहा था उस समय, गुरु प्रसाद बिल्डिंग में। तो वहां पे वो लोग मंडली में जाकर बैठ गए और बहुत लोगों के संपर्क में भी आए। वहां पे दमदम के मिस्टर भाटिया जी थे, उसके बाद डॉक्टर जी एस एन मूर्ति जी से वहाँ मुलाकात हुई, और वहाँ पे मंडली में सबके बहुत लोग के साथ संपर्क में आए। तो उस समय सब जब बाबा के आशीर्वाद ले रहे थे, बाबा का पैर छूने के बाद सभी बाबा सबसे इशारों में पूछ रहे थे कि कैसे हो, क्या चाहिए। तो सब अपनी बातें बोल रहे थे। जब मेरे पापा का नंबर आया तो पापा से बाबा ने पूछा इशारों में कि क्या चाहिए बताइए। तो बाबा, तो मेरे पापा ने बोला कि बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ पापा के पीठ पे फेरा। उसके बाद वो लोग सभी बाबा के दर्शन करते हुए वापस आ गए। उस साल से हर साल मेरे दादाजी अपने फैमिली को लेके अमर तिथि में मेहराबाद जाया करते थे। फिर उसके बाद हम लोग की फैमिली बड़ी हुई, बढ़ने लगे सब लोग, सबकी पापा लोग की शादी हो गई, मैंने हर साल कोई ना कोई जाने लगा और यहाँ बाबा के प्रेमियों के साथ संपर्क भी सबका बढ़ने लगा। मदन मोहन जी हैं आगरा वाले, वो हमारे यहाँ कलकत्ता में आके रहा करते थे, वो बाबा अपने काम से सबको भेजते थे। तो कलकत्ता जब भी वो आते थे तो हमारे यहाँ ही रुकते थे। फिर संतरागाछी के रघेलू जी जो थे वो भी आते थे हमारे यहाँ अक्सर। उसके बाद दमदम के भाटिया जी, सब बाबा प्रेमी थे, सब हमारे घर पे आके उस समय, ये 1965 की बात है, ये सब पापा ने मुझे बताई है, सब बाबा के काम से आते थे मेहर बाबा के, हमारे घर पे ही रुका करते थे। डॉक्टर जी एस एन मूर्ति जी, जिनको हम लोग मूर्ति बाबा कहने लगे थे, तो हम उनके फैमिली मेंबर जैसे हो गए थे। वो जब भी कलकत्ता आते थे तो हमारे ही घर पे रहते थे। मेरे दादाजी को हम सभी बच्चे बाबा बाबा कह के बुलाते थे और हर रोज मेरे बाबा, मेरे मेहर बाबा की बातें हम लोग को सुनाया करते थे। हम लोग कजन भाई बहन मिलाकर 14-15 लोग थे। तो रोज हम लोग के घर में दादाजी मेहर बाबा की बातें रात में सुनाते थे शाम को सभी को। मूर्ति बाबा जब भी हमारे घर आते थे तो बाबा का भजन होता था, कीर्तन होता था, उनसे एक अपनापन था, वो हमारे घर के सदस्य जैसे ही हो गए थे। के बाद मेरी दीदी की शादी थी, बड़ी दीदी, तो उसमें मूर्ति बाबा भी आए थे। वो फोर्ट विलियम में जो थाड़े साहब हैं, थाड़े अंकल,
वो भी मेरी दीदी की शादी में आए थे 2000 में। तो उन्होंने मेरी दीदी को, मेरी दीदी की शादी 9 जुलाई को हुई थी और 10 जुलाई को मौन दिवस था। तो रात को 12 बजते ही मूर्ति बाबा ने, जो उन्होंने किताब लिखी थी मजा मेहर की बातों में, मेरी दीदी को दी और जय मेहर बाबा बोलते हुए मौन हो गए। और उसके साथ हमारे परिवार के जितने भी सदस्य मूर्ति बाबा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। हम लोग फोर्ट विलियम भी जाया करते थे, खाड़े अंकल के वहां पर भजन कीर्तन हुआ करता था मेहर बाबा का। हम लोग बाबा के हर फंक्शन में जाते थे, हम लोग बाबा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अभी भी है। हमारे जो गांव में जो घर है जहाँ मेरे दादाजी और पापा पहले रहा करते थे गोला में, वहाँ दो घर है। तो मेहर निवास जो घर है ना, उस एक जहाँ रहा करते थे ना, उस घर का नाम मेरे दादाजी ने मेहर निवास रख दिया। और जो सामने एक बड़ा घर था उसको मेरे दादाजी ने मेहर धाम बना दिया। आज भी जब हम मेहर धाम में जाते हैं ना, तो वहां पे बाबा की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज रखी हुई है। जितने भी अमर स्थिति में जब मेहर बाबा के 95-60 में वो लोग गए हैं, सारे फोटोज वहां अभी भी हैं। मैंने इतना बाबा से अटैचमेंट हम सभी का है कि मैं क्या बताऊं। एक बार जब हम लोग 2002 में मेहर बाबा के दर्शन के लिए मेहराबाद गए हुए थे, तो हम लोग लाइन से लगे हुए थे, क्यू में थे, बहुत भीड़ थी, रेलवे लाइन तक पूरी लाइन गई हुई थी। तो क्या हुआ कि हम लोग तभी हाथ जोड़ के खड़े थे, हम लोग को टोकन मिला था। तब तक क्या हुआ कि हम लोग ने कुछ नहीं लिया हुआ था। तो मेरी मम्मी को बहुत इच्छा था कि बाबा के समाधि पे मैं फूल चढ़ाऊं। वो हम लोग फर्स्ट टाइम समाधि पर गए थे 2002 में, उसके पहले हम लोग को मौका नहीं मिला था समाधि में जाने का बाबा के। तो सभी खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, मेरी मम्मी भी थी, पापा, दीदी, बच्चे सब थे। तो मम्मी बोली पापा से कि मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मैं मेहर बाबा के समाधि पे फूल चढ़ाऊं, लेकिन अब तो इतना लंबा लाइन है, बाहर तो निकल नहीं सकते, क्या करें क्या करें। तो मन ही मन मेरी मम्मी सोचने लगी कि क्या करे क्या करे, सब कोई इतना कुछ लिया है, हम लोग कुछ नहीं लिए, हम लोग तो ऐसे ही हैं, खड़े हैं, कहीं से कोई फूल मिलता तो हम लोग चढ़ा देते। तो तब तक अचानक से क्या हुआ, जैसे हम लोग सामने बढ़ने लगे समाधि के दर्शन के लिए, मैंने 5-6 लोग के पीछे ही थे। तब तक क्या हुआ, एक सामने से एक लड़का आया और वो गुलाब का सुंदर सा बड़ा सा हार लेके आया। दौड़ते हुए आके सीधे मेरी मम्मी के पास आके बोलता है, आंटी जी मैं तो लाइन के बाहर हूँ, क्यू के बाहर हूँ, क्या आप ये हार बाबा को चढ़ा देंगे क्या समाधि पे? अब तो मैं लाइन में लगूंगा, बहुत दूर है, देरी हो जाएगी मुझे। तो मम्मी तो मेरी इतनी खुश हो गई, उनको तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। मन ही मन खाली वो सोच रही थी कि कहीं से थोड़ा फूल मिलता तो हम भी चढ़ाते। और वो पूरा लाल गुलाब का सुंदर माला, मेहर बाबा कहाँ से चमत्कार करते हैं, मम्मी के हाथ में आ गया। मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी वो ले गई चढ़ाई। हम लोग सभी गए, हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाबा हमेशा चमत्कार करते हैं। कुछ भी अगर हुआ, परेशानी घर में या कुछ भी चाहिए, तो हम लोग के मुंह से पहले बाबा ही निकलता है। बाबा से बोलते देरी नहीं कि बाबा वो हर एक काम कर देते हैं। ये ऐसा एक्सपीरियंस है हम लोग के बाबा के साथ, जिसे हम लोग अक्सर अपने पापा से कहा करते थे, कहते भी थे पहले कि पापा आप तो बाबा से मिले हैं, कितना अच्छा था, हम लोग भी होते, हम लोग भी मिलते। तो ऐसा नहीं है कि अभी समाधि पे सिर्फ देख सकते हैं बाबा, बाबा हर जगह है। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी फरवरी 2011 में हुई थी, तो मेरी अरेंज मैरिज थी। तो मेरे शादी के 10 दिन के बाद हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड शिमला के लिए निकले। तो यहाँ से दिल्ली गए कैलकाटा से, और मैं अक्सर अपने हस्बैंड से मेहर बाबा के बारे में बताया करती थी, हम लोग कि हमारे दादाजी के
मैंने हम लोग बाबा के फॉलोअर हैं, हम लोग बाबा को मानते हैं। मेरे दादाजी के थ्रू हम लोग इस नियर बाबा जी के कांटेक्ट में आए, तो फिर वो सब सुने थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरी शादी के बाद सिर्फ एक बार पगफेरे के रस्म के लिए मेरे घर आए हुए थे मुझे विदा करने के लिए। तो वो उन्होंने घर में जैसे बस एक मेहर बाबा का फोटो देखा, हर रूम में एक फोटो था तो देखे, ठीक है, इतना उन्होंने सोचा नहीं कि क्या है, कुछ नहीं पूछा। खाली वो जानते थे बाबा के फोटो तो उन्होंने देखी थी। तो हम लोग शिमला गए हुए थे, रास्ते में जाते जाते जैसे वहां पे लैंड स्लाइडिंग हो गई थी, तो शहर का रास्ता को बंद कर दिया गया था। तो हम लोग गाँव के रास्ते होते हुए अपने होटल पहुंच रहे थे, तो हम लोग को बहुत लेट हो गया, रात का 10 सवा 10 हो गया। हमारी मोबाइल की बैटरी अभी सब डिस्चार्ज होने लगी थी और एक अंदर से डर होने लग गया था कि हम लोग को मतलब सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जब डर तब और बढ़ा जब हम लोग के गाड़ी के संग मैंने साथ में खरगोश काली बिल्ली चल रही थी, दौड़ने लगी। तो हम लोग को शक हुआ कि हम लोग का रास्ता शायद गलत आ गए हैं, हम लोग जंगल की तरफ है। तो ड्राइवर जो था उसने बोला कि मेरे हस्बैंड से बोला कि भाई जी मुझे लगता है कि मैं हम सभी गलत रास्ते पे आ गए हैं, रास्ता ये नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं मन ही मन अपने जिस तरीके से कुछ भी होता है मन में हलचल, तो मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा हम लोग करने लगते हैं। अंदर से घबराहट से मेरे मुंह से खाली मेहर बाबा हो रहा था कि बाबा रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं मैं क्या करूं, ये भगवान कहाँ आ गए, हम लोग क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब तक अचानक से क्या हुआ, मैंने हमारे गाड़ी के सामने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे से एक लाइट दिखने लगी कि कोई गाड़ी आ रही है। तो वो गाड़ी आने लगी, तब तक ड्राइवर ने बोला कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, हो सकता है उनसे मैं पूछ लूं कि रास्ता कौन सा है, ये रास्ता राइट है कि हम लोग गलत रास्ते पर हैं। तो जब गाड़ी आगे आने लगी तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि अब पता नहीं उसमें कैसे लोग होंगे और कौन होंगे। तो डेंजर के डर से उन्होंने क्या किया, मुझे मेरा हेड डाउन करा दिया। वो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में सिर्फ उस कार में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ड्राइवर चला रहा है। तो फिर वो जब गाड़ी सामने आई तो वो दिल्ली की ही गाड़ी थी। तो ड्राइवर ने पूछा कि गाड़ी का जब कांच खुला, मैं तो लेटी हुई थी नीचे, मेरे हस्बैंड ने मुझे छुपा दिया था। तो ड्राइवर ने पूछा कि भाई साहब मुझे ये होटल में जाना है। तो बोला आप तो, तब गाड़ी में से आवाज आई ड्राइवर की सीट पे तो कि आप तो गलत रास्ते पे आ गए हैं। मैं खाली सुन सक रही थी क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पाई, क्योंकि तो मुझे झुका के लिटा दिया गया था। आप तो गलत रास्ते पर आ गए हैं, आगे से 6 किलोमीटर, आप 6 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ हैं और आगे 10 किलोमीटर जंगल ही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं। बोले कि चलिए मेरी मंजिल रास्ते में ही है, मैं आपको आपके होटल तक छोड़ देता हूँ। तब तो तक जब इतनी बात उन्होंने बोली तो मैं तो जैसे आई वाज स्टिल चैंटिंग जय बाबा जय बाबा जय बाबा। तो वो बोला कि मैं रास्ते में आपको छोड़ देते, उन्होंने बोला। तो मैंने अपने मन में जैसे मैं अपने में चैंटिंग कर रही थी, मैंने बोला कि जय बाबा, कोई तो मिला मेहर बाबा मदद के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और बोला तुमने क्या बोला। तो मैंने बोला कि मेहर बाबा आप रास्ता दिखा दीजिए। बोले ये तो मेहर बाबा है। मैंने बोला क्या बोल रहे हो। बोला हाँ तुम्हारे घर में जब मैं गया था पग फेरी की रस्म के लिए तो मैंने यही फोटो देखी थी तुम्हारे घर के में, इंट्रेंस में जो फोटो है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या बोल रहा है। तो मैंने फट से उठी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि वो गाड़ी का कांच उठा रहा है। उठाते समय जब मैंने देखा एकदम गोरा पिंक चमकता चेहरा मेहर बाबा का, लंबे घुंघराले कंधे तक के बाल उड़ रहे थे और स्माइली फेस। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, और जैसे मेरे मेरे होठ पे किसी ने पट्टी बांध दी। मैं चिल्लाना चाह रही थी भीतर से कि तो मेहर बाबा है तो मेहर बाबा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं। खाली मैं खाली देखते गई और मन ही मन को मैंने बाबा को जैसे कोशिश किया कि मैं बुलाऊं मेहर बाबा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाई। वो गाड़ी की कांच बंद हो गई, गाड़ी आगे बढ़ गई, हम लोग भी यू टर्न ले लिए। अब मेरे मन में एक खलबली मचना स्टार्ट हो गया कि ये भगवान हम कैसे मिले, हम कैसे मिले, ये तो बाबा थे, ये तो बाबा थे। तो वो गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ने लगी, तो हम लोग गाड़ी के रेड लाइट को फॉलो करके बाबा के पीछे पीछे जाने लगे। और उनके बगल में एक
और लोग बैठे थे, तो अन्ना हजारे के जैसे टोपी लगाए हुए थे, कैप। क्योंकि उस समय मुझे इतना याद नहीं पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि नीरज भाई भी ऐसे ही टोपी लगाया करते थे। तो उस समय उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था, बस यही लग रहा था तो बाबा है। और हम लोग उनके पीछे 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 पीछे, वो तो पहाड़ी रास्ता, गोल गोल रास्ता था, गाड़ी आगे उनकी भाग रही है, हम लोग उनको फॉलो किए जा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग 8-9 किलोमीटर जब पीछे आ गए, तो गाड़ी वापस रुकी और हम लोग भी रुके। तो जब वो विंडो पर ओपन हुआ, तो मैंने देखा कि ब्लैक सूट पहन के मेयर बाबा ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, पतले से हैं, गोरे, एकदम पिंक कलर के उनके चेक्स हैं, और स्माइली फेस, और घुंघराले बाल उड़ रहे हैं, और वो चेहरे पे इतनी सादगी और स्माइल, समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि आपकी मंजिल आगे 2 किलोमीटर पे है, हमें यही रुकना है, हमारी मंजिल आगे। तो हमारे ड्राइवर ने बोला, और इस बार भी जब मैंने उठ के देखा, तो मेरे वापस मेरे मेरा वॉइस एकदम बंद हो गया। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बोलूं कि मेहर बाबा मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। मैं चिल्ला भी नहीं पाई ना कुछ बोल पाई, खाली मैं एक टक, जैसे होता है ना, भगवान को मैंने देख लिया, मैं एक टक देखी जा रही थी, लेकिन मैं अंदर से चाह रही थी बाबा को मैं जय बाबा बोलूं, नहीं कर पाई। तो ड्राइवर ने बोला कि आपकी मंजिल कैसे आ गई, ना इस तरफ कुछ है ना उस तरफ है, ये तो पहाड़ का बीचों बीच रास्ता है। बोला हमें यहीं तक आना था, मेरी मंजिल यही है, आप यहाँ से आगे चल जाइए, आपका होटल आगे है। तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया ना, वहाँ कोई शॉप था, रात के 10:30-11 से ऊपर हो गया था, वो लोग कहाँ रुक गए। तो ड्राइवर ने, मैंने तो अपने हस्बैंड को बोल दिया, जब वो गाड़ी जब आगे बढ़ गई थी, तभी मैंने बोला ये तो मेहर बाबा है, मैं चिल्लाने लगी थी उस समय। तो वो भी एकदम शॉक्ड होके देख रहे थे क्या हो रहा है। और उनके बगल में जो बैठे हुए थे, जो मैंने बताया कि अन्ना हजारे की जैसे टोपी लगा के, सॉरी, वो बैठे थे, नीरज भाई जो लगाते थे, तो वो चुपचाप बैठे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे इस समय। और जितने कन्वर्सेशन हो रहे थे वो बाबा ही कर रहे थे। तो हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ गई, कार, हम लोग जब आगे बढ़ने लगे, तो मैं पीछे ही मुड़ के देखती रह गई उस गाड़ी को। वो गाड़ी अंधेरे में खड़ी थी, लाइट लाइट बंद करके। फिर जब हम लोग 1 राउंड 2 राउंड डाउन जाने लगे हिल से, तो मैं पीछे देख ही रही थी, मेरा मन वही था। तो मैंने देखा कि वो गाड़ी की लाइट वापस से स्टार्ट हुई और हम लोग के पीछे काफी देर तक आई। जब मेरा होटल, हम लोग को लाइट दिखने लगा होटल का, तो गाड़ी वापस से बंद हो गई, कार की लाइट, वो वही अंधेरे में सुनसान। उसके बाद कुछ नहीं दिखा कि वो गाड़ी कहाँ गई, क्या हुआ। हम लोग सब होटल आ गए और दिमाग में, माइंड में बस यही चल रहा था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मोबाइल की बैटरी फुल डिस्चार्ज थी, रूम में जाते जाते 12 बजे, किसी को कॉल करके बता भी नहीं पा रही थी। मन में बेचैनी इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब हम कैसे किसी को बताएं कि हम बाबा का दर्शन किया मैंने, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात भर नींद नहीं आया, घबराहट से, बेचैनी से, अभी भी जैसे ये सब बातें कर रही हूँ तो मुझे घूस बम्स हो रहे। तो रात भर सोचती रही, सोचती रही। मॉर्निंग होते ही मैंने पापा को कॉल किया, बोला पापा ऐसा ऐसा हुआ। पापा बोले कि, पापा मेरे रोने लगे खुशी से, ये तो पापा हमेशा ही बोलते हैं कि मन से दिल से याद करो तो मेहर बाबा हमेशा मदद करते हैं, और हमेशा ही किया बाबा ने। जब भी कुछ प्रॉब्लम आया, जब भी दिल से मेहर बाबा को बोला बाबा ऐसा ऐसा बात है, तो बाबा ने हमेशा हेल्प किया। लेकिन उस दिन जो साक्षात दर्शन मेहर बाबा ने दिया, उसको मैं पूरे लाइफ टाइम में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको रिकॉग्नाइज मेरे हस्बैंड ने किया, जो मैं खाली फोटो में देखा था। और अगर वो है, मैं खुद से बोलते सब, अगर ये भी सब बोलते कि हो सकता है तुमने खाली ऐसे ही सोच लिया, लेकिन ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चल के बोला कि ये तो वही है जो तुम्हारे घर में फोटो में मैंने देखा। तब मैं उठ के देखी, तो सुना था कि बाबा सबका हेल्प करते हैं, लेकिन बाबा सामने भी आके हेल्प करते हैं। मेरे साथ ये जो था, बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने इस बारे में, बाबा प्रेमी योहान है जो फेसबुक फ्रेंड है मेरे, उनको भी उस समय बताया था, तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ बाबा आते हैं, बाबा हेल्प करते हैं अपने प्रेमियों का।
जो बाबा को दिल से प्यार करते हैं। तो बाबा के साथ अटैचमेंट हमारा ऐसा ही है। आज भी हम लोग अपने आसपास मेहर बाबा को हमेशा फील किया करते ही हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे लाइफ में, जैसे मेरी नानी मेरी मम्मी बताया करती है कि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो मेहर बाबा के बारे में मेरे नानी के घर में भी मम्मी ने बताया था। तो उस समय मेरी नानी के घर की आर्थिक हालत उतनी ठीक नहीं थी। तो अब कभी कभार इंसान सोचता है कि अगर हम भगवान को पूज रहे हैं तो मेरा सब अच्छा भी करे, मन में कुछ ठान ले भी लेते हैं। तो कुछ ठीक नहीं हो रहा था उनके घर में, वो उस समय की बात है। तो मेरी नानी गुस्सा हो गई मेहर बाबा पे, और उनकी जो मम्मी ने एक फोटो दिया था बाबा को, तो रोज पूजा करती थी मेरी नानी। तो कुछ नहीं, अब वो अपनी परेशानियों को मेहर बाबा से जोड़ लिया था उन्होंने। उन्हें लगता था कि इतना दिन से बाबा से पूजा कर रही हूँ तो कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो एक दिन उनका पूरा गुस्सा बाबा के फोटो पे आ गया। बाबा का चमत्कार देखिए, मेरी नानी ने बोला कि इतना दिन से तो आपका पूजा कर रही है, क्या किए आप? कुछ तो नहीं किए मेरे लिए, खाली घर में फोटो लाया रखा, कुछ तो नहीं किया। वो ये भूल गई कि बाबा को किसी अपने फायदे के लिए तो हम लोग को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि बाबा से हम लोग को फायदा हो। मैंने वो उनके माइंड में ये बात आ गई, दिल से उन्होंने बाबा से प्यार नहीं किया था शायद। तो दूसरे दिन जब मॉर्निंग में वो वापस पूजा घर में गई, पूजा के घर में वो क्या देखती है, मेहर बाबा का जो फोटो है जैसे किसी ने कैची से पूरे फ्रेम में से फोटो को काट के निकाल दिया, फ्रेम पूरा खाली था, एम्प्टी फ्रेम। तो नानी पूरी शॉक हो गई और वही रोने लगी। उनको ऐसा लगा कि जैसे बाबा छोड़ के चले गए हैं। और ये हुआ हुआ भी था, कल तक सब कुछ ठीक था और आज मॉर्निंग में वो फोटो गायब हो गई। तो वही है ना कि हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है तो मेहर बाबा को ही बोलना शुरू कर देता है। तो यही है, बाबा के ऊपर से कभी विश्वास नहीं हटाना है, और दिल से याद करने से बाबा हमेशा सबका भला करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसी बहुत सारी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं हमारे घर में, हम लोग मोर देन 50 मेंबर्स हैं, तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। कुछ भी छोटी सी छोटी चीज रहती है, बातें रहती है, तो हम लोग बाबा के सामने आके बोलते हैं बाबा अब क्या होगा, क्या करें, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाता है। और कुछ अच्छा होता है तो मेहर बाबा से पहले हम लोग आके बोलते हैं। हमारे घर में शादी की कार्ड जब ने जो इनविटेशन कार्ड जो होती है सबसे पहले मेहर बाबा के नाम से बनती है, और हर कार्ड में हर जगह मेहर बाबा जय मेहर बाबा लिखा रहता है। हम लोग मेहर बाबा से इतना अटैच हैं कि मेहर बाबा तो हम लोग को अपने दादाजी जैसे ही लगते हैं। भगवान मेहर बाबा भगवान है लेकिन अपने से ही है। और बस यही है मेरा एक्सपीरियंस, जय मेहर बाबा।